हेलो एवरीवन, चलते अपने आज के लास्ट और फाइनल टॉपिक पर, जिसमें हम सीखेंगे कि रेंडरिंग की जो इमेज आती है हमारी, उसको हम हाई क्वालिटी में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सिर्फ अच्छी क्वालिटी में रेंडरिंग करना ही फाइनल ऑप्शन नहीं होता है, हमको उसको अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट भी करना ज़रूरी है। चलिए, तो पिछली बार हमने रेंडरिंग की थी तो उसको मैंने सेव नहीं किया था, क्योंकि मैंने बहुत लोएस्ट क्वालिटी की रेंडरिंग की थी। चलिए अभी थोड़ी एक हाईएस्ट क्वालिटी की रेंडरिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आरआर, तो ये हमारा रेंडरिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें मैं क्वालिटी अभी कर देता हूँ मीडियम, और इसका रिजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ मैं प्रिंटर पर, और इसको कर देता हूँ मैं 300 DPI। ठीक है, यहाँ से मैं सन ओनली कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन की डायरेक्शन भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, अभी मैं वही रहने देता हूँ। इमेज मैंने लगा दी है पहले की पुरानी, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ रेंडर पर क्लिक। चलिए, तो ये हो गई हमारी रेंडरिंग कंप्लीट। अब हमको करना है इसको एक्सपोर्ट। तो बहुत सारे सोचते हैं कि यहीं पर तो ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, लेकिन जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो ये क्वालिटी है वो वाली क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, अभी हम जूम कर रहे हैं तो इसके पिक्सल बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, और अगर आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पिक्सल आपके चेंज हो जाएंगे, और जब आप जूम करेंगे तो ये वाली क्वालिटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सेव टू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा, इसका कुछ भी आप नाम दे दीजिए, रेंडर वन, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया है सेव। एक बार हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, यहाँ पर ये रेंडरिंग है, इसमें नाम आया हमारा रेंडर वन, ठीक है। अब इसको हमको इसी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको जाना है फाइल, फाइल के बाद आपको करना है एक्सपोर्ट, और यहाँ पर नीचे लिखा है इमेज एंड एनिमेशन, इस पर आपको इमेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी आप चाहें। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर ही कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट वन ही नाम रहने देता हूँ। यहाँ पर आपको जो व्यू शीट है इसको करना है सिलेक्ट, और यहाँ से आपको आपका प्रोजेक्ट देखना है कौन सा रेंडर वन है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है, देन ओके। ये पूछ रहा है कि क्या आपको फ्यूचर में भी ये सेटिंग सेव करना है, तो आप चाहे तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ से पिक्सल आपको चेंज करना है, जूम टू 100% करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको अलग अलग क्वालिटी दे रखी है, BMP, JPEG, लॉसलेस। तो JPEG हम लॉसलेस कर देते हैं, यहाँ भी हम JPEG लॉसलेस कर देते हैं, और रास्टर इमेज क्वालिटी आपने जैसे रेंडरिंग की, अगर 300 की तो 300, 600 की तो 600, हमने 300 की तो हम 300 पर ही इसको कर देते एक्सपोर्ट, देन आपको करना है ओके। तो ये आपका हो रहा है एक्सपोर्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर कुछ परसेंटेज इसके चल रहे हैं, 50% अभी हुआ है, आपके इसमें भी थोड़ा सा समय लेगा, ये डिपेंड करेगा आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। चलिए, तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, चलिए तो ये हमारी हो गई इमेज एक्सपोर्ट। अब इसको हम देख लेते हैं, ये हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव किया था, ये देखिए इसकी क्वालिटी अब पूरी, सॉरी, इसकी क्वालिटी हमारी पूरी एक्चुअल आ रही है, और इसमें आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं, पूरी नीट एंड क्लियर, ठीक है। तो आई थिंक आप सीख गए होंगे। चलिए, तो हमारा ये भी कंप्लीट हुआ, तो कुल मिलाकर हमारी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। चलिए, थैंक यू सो मच।